दुनिया के हर इंसान का सबसे पसंदीदा वर्ड है पी, यानी प। हर इंसान जिंदगी भर पी के पीछे भागता रहता है। जो मिलता है वह भी पी से, और जो नहीं मिलता वह भी पी से। पी से पति, पी से पत्नी, पी से पुत्र, पी से पुत्री, पी से परिवार, प्रेम, प्रतिष्ठा और पद भी पी से, प्रशंसा भी पी से, पब्लिसिटी भी पी से, और प्यार भी पी से। हर कोई पी के पीछे भागता रहता है, और कभी कभी इन सभी के चक्करों में पी से पाप भी करता रहता है, और अंत में सिर्फ उसका पी से पतन होता है। और उसके पास अंत में बचता क्या है? पी से पछतावा। इसीलिए पाप के पीछे पड़ने से अच्छा है अपने पी से परमात्मा के पीछे पड़े, और पी से जिंदगी में कुछ पुण्य कमाएं। कभी आगे बढ़ने के लिए कभी भी किसी का बुरा न करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं। याद रखें, ऊपर वाले के पास सभी का हिसाब होता है, वक्त सभी का आता है। यह दुनिया बड़ी सोच समझकर बनाई गई है, तभी तो मौत सबको आती है, चाहे वह कितना ही अमीर हो या कितना ही गरीब हो। सोचिए, अगर अमीर लोग पैसों से जिंदगी खरीद सकते तो वे गरीबों के मरने का मजाक ना उड़ाते। ईश्वर ने अनाज में भी कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करने लगते, और गरीब इंसान बेचारा भूखा मर जाता। मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, नहीं तो इस दुनिया में कोई भी अपने प्यारों को कभी ना जलाता या दफनाता। ईश्वर ने जिंदगी में किसी भी प्रकार के संकट या अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना भी हमें सिखा दिया है, अन्यथा लोगों के जीवन में निराशा और अंधकार के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, कमियां तो हर एक इंसान में होती हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि वह कमियां सिर्फ दूसरों में नजर आती है। इसीलिए हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए, दूसरों में बुराइयां ढूंढने की बजाय खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दें। क्योंकि याद रखिए, वक्त किसी का नहीं होता, जरा सी बात से बातों के मतलब ही बदल जाते हैं। उंगली उठ जाए तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ, अंगूठे के साथ अंगुली मिल जाए तो लाजवाब बन जाता है। जन्म होने पर बनने वाली मिठाई से शुरू हुआ ये जिंदगी का खेल श्राद्ध की खीर पर आकर ही खत्म होता है, लेकिन यही जिंदगी की मिठास और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इंसान इन दोनों ही मौकों पर यह दोनों चीजें खुद नहीं खा पाता। इसीलिए एक जीवन मिला है, इसमें अच्छे कर्म कीजिए, जिंदगी में सफलता हासिल कीजिए, अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि आप दूसरों की मदद कर पाएं। हर एक की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश बिल्कुल न करें, क्योंकि जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे। केवल खुद को बदलने पर ध्यान दें, क्योंकि यही सबसे सरल मार्ग है। दूसरों को बदलने में समय व्यर्थ करने की बजाय अपना कीमती समय उस परमात्मा को प्रसन्न करने में लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान इंसान से जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी प्राप्त होते हैं। हम सबके पास गिनी हुई सांसें हैं, कुछ ही दिन हैं, जिसे हम कहते हैं चंद दिन हैं। इन्हें हंसते मुस्कुराते हुए गुजारना है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, किसी भी चीज से बिना डरे, क्योंकि हमें डर का सामना करना है। और लोगों की बातों को कभी भी दिल पर नहीं लगाना है, क्योंकि लोग खरीदते समय तो पूछते हैं अमरूद मीठे हैं, और बाद में उन्हीं अमरूदों पर नमक लगाकर खाते हैं। वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स को समझना और रिस्पेक्ट देना है। आपकी भी लाइफ में बहुत सारे पी होंगे जिन्हें आप रिस्पेक्ट देते होंगे या डिसरिस्पेक्ट करते होंगे, जो आपके लिए बहुत प्रेशियस होंगे या शायद नहीं भी होंगे। मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे। मित्र जनों, जन कल्याण हेतु हो रहे पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।